क्या होगा जब नेवी का एक वॉरशिप एक क्रूज लाइनर पर हमला कर दे। अब आमतौर पर सबको यही लगेगा कि क्रूज लाइनर तो गया काम से, मगर इतिहास में एक घटना ऐसी भी है जहां क्रूज लाइनर ने एक नेवल वॉरशिप को डुबो दिया। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं, मगर प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खैर, पोल्स पर पर्यटकों को पेंगुइन दिखाने वाला रेजोल्यूट नाम का एक जर्मन क्रूज लाइनर वेनेजुएला के करीब 2020 में इंजन की मरम्मत के लिए खड़ा था। तभी वेनेजुएला की ही एक गश्ती वॉरशिप नाइगुआटा का ध्यान इस पर गया और कैप्टन ने क्रूज लाइनर को जांच के लिए वेनेजुएलन पोर्ट की तरफ चलने के निर्देश दिए। लेकिन रेजोल्यूट के क्रू ने आदेशों की अनदेखी की और अपने जर्मन हेडक्वार्टर में कॉल कर दिया। हालांकि इसके बाद भी रेजोल्यूट को कई चेतावनियां दी गईं, मगर हर बार वो उसे इग्नोर कर देते, जिसके बाद वॉरशिप के कैप्टन ने क्रूज लाइनर पर गोलियां चलवाई और अपनी नाव से उसके हल में एक जोरदार टक्कर मारी, जो कैप्टन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेजोल्यूट एक पोलर एक्सपेडिशन वेसल है जिसके हल को सबसे खतरनाक समुद्री बर्फ से टक्कर की कंडीशन में भी टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया है। खैर, टक्कर के बाद वॉरशिप के बॉटम में छेद हो गया और धीरे धीरे वॉरशिप डूब गया।